नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड। हालांकि दुबई का तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, बाकी हर उस देश में ये बात लागू होगी कि आप इंडिया से किसी भी देश में जाते हैं तो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय, अगर आप विजिट वीजा में जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आपका बीमा होता है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका एक बीमा होता है, जी हाँ, दुर्घटना बीमा जिसको बोल सकते हैं। अगर आपको यूएई में रहते हुए, यूएई एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मेरे सामने आया है, केस कोर्ट का आया है, मुआवजा भी मिला है, वो डिटेल में बताऊंगा इसमें। और आपके साथ देखिए दुर्घटना, किसी को पता नहीं है, घर से निकले 5 मिनट बाद खबर आती है कि बंदा गया, बंदे का हाथ पैर टूट गया, कई तरह के रीजन हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। उस दौरान आपके पास क्या है पावर, आपको क्या कानून क्या बोलता है कि आप अफवाह विदेश की धरती पे आप मुआवजे के अधिकार हैं, आपका पैर टूट गया, आप लाइफ टाइम मतलब डैमेज हो गए, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आपको कुर्सी के सहारे चलना पड़ेगा वगैरह वगैरह, व्हील चेयर का आपको सहारा लेना पड़ सकता है। इस दौरान बॉडी आपकी चली जाती है, आपका शरीर काम नहीं करता है, तो क्या विदेश में आप मुआवजे के हकदार हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यूएई में मैं बता दूं, अबू धाबी मोटर दुर्घटना में एक विदेशी महिला को 1 मिलियन दुबई दिरहम हर्जाना मिला है। जी हाँ, 1 मिलियन दुबई दिरहम, आप समझ सकते हैं 1 मिलियन कम नहीं होता इंडिया के हिसाब से। हालांकि देखो बॉडी के शरीर के सामने वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब कारण क्या था, कोर्ट ने किस बेस पे उसको मुआवजा दिलाया, हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए होता क्या, एक प्रवासी महिला जो गई दूसरे देश की थी, यूएई की नहीं थी, वो अपनी उसकी कार खराब हो गई थी, ठीक है, तो उसको धक्का दे रही थी वो अपनी कार को कि भाई कार खराब है, उसको साइड में कर रही थी, कुछ भी मान लीजिए। तो पीछे से एक बंदा आया, यूएई का था, जो लापरवाही से कार चला रहा था, पीछे से ठोक दिया। अब ठोक दिया तो पता है महिला पीछे से उसको कार को धक्का दे रही थी, पीछे कार के पीछे महिला थी और महिला के पीछे दूसरी कार आगे ठोक दी, तो महिला एकदम बीच में आ गई। उसके आपको पता है उसकी महिला के पीठ में लगी, छाती में, शरीर गंभीर चोटें उसके लग गई, रीढ़ की हड्डी भी उसकी डैमेज हो गई 30%, लाइफ टाइम के लिए बेड रेस्ट, व्हील चेयर पे आ गई वो औरत, झटके के साथ, पता ही नहीं लगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। महिला की तरफ से फिर कोर्ट में केस डाला गया, दुर्घटना मुआवजा का केस बनाया गया और उसके ऊपर क्लेम उसको हुआ, बता दूं उसके बॉडी पार्ट को। देखिए क्लेम हमेशा उस, कई बार देखा हो ना किसी को क्लेम में इंडिया में 2 लाख मिलता है तो किसी को 20 लाख मिलता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि दुर्घटना होने वाली महिला कितनी साल की थी, जैसे 30 साल की थी या फिर 60 साल की थी, वो अभी कितना पैसा कमा रही थी आज की डेट में देखे जाए। आज मान लो वो 2000 दिरहम कमा रही है, तो ये 2000 दिरहम कब तक कमाती, वो ये महिला 10 साल 20 साल में कितना पैसा कमाती, एक तो ये देखा जाता है, ठीक है। दूसरा ये देखा जाता है कि महिला मतलब कितनी इसकी उम्र है, उस हिसाब से ये फाइनल होता है जो इंश्योरेंस का पैसा है। हम बता रहे हैं इंडिया में करोड़ों रुपए भी लोगों को मिला है, क्योंकि वो इसलिए मिलता है, एक आदमी की मौत होती है तो 10 लाख मिलता है, एक आदमी की मौत होती है उसको 1 करोड़ मिलता है, उसका है इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि एक आदमी जिसकी 10 लाख मिला है उसकी उम्र हो सकता है ज्यादा रही होगी, हो सकता है वो 5000 महीना कमा रहा होगा, तो वो 20 साल 30 साल कितना कमाता, उस हिसाब से एक आदमी जो महीने का 5 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहा है उसकी डेथ हो गई तो वो 10 साल 20 साल कितना कमाता, उस हिसाब से उसकी इंश्योरेंस होती है, तो ये एक रीजन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि विदेश में कोई भी देश में, चाहे दुबई में, यूएई में या फिर और भी कंट्री में, अगर आप विदेश में रह रहे हैं ना, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो घबराने की बजाय, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया नो डाउट वो तो हो चुका, ठीक है, लेकिन उसके पीछे आपको क्लेम करना जरूरी है ताकि आपको वो पैसा मिल सके और उसी पैसे से आपको जीवन जो बच जाता है आपका वो काटना होता है, सच्चाई कड़वी सच्चाई यही। तो आप समझ चुके होंगे मेरी बात को कि अगर दुर्घटना विदेश में हो जाती है तो आपको तुरंत प्रभाव से क्लेम करना चाहिए ताकि वो क्लेम की राशि आपको मिल सके। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय